الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا مولانا حافظ نثار احمد الحسینی رحمه الله تعالى انتقال فرما گئے ہیں. انا لله وانا اليه راجعون انا لله ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده بأجل مسمى. मौलाना निसार अहमद हुसैनी रहमतुल्लाह ताला एक जय्यद आलिम दीन थे, वसीउल मुताला आलिम थे, अपने मसलक के साथ नहायत वफादार थे और अकाबरीन की मोहब्बत गोया रगों में, यूं समझें कि एक एक रग में गहरी उतरी हुई थी. अकाबरीन के साथ मोहब्बत अकीदत के दर्जे की थी. अपने मसलक और मशरब के हमेशा मुहाफिज रहे. मखदूमुल उलमा हजरत अकदस मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी नबरल्लाह मरकदहु, जो कि हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदरवी रहमतुल्लाह के मुजाज थे, खलीफा थे, हाफिज निसार अहमद हुसैनी साहब रहमतुल्लाह इन्हीं मौलाना अजीज रहमान हजारवी रहमतुल्लाह के खलीफा और मुजाज़े बैत भी थे. हजरत हाफिज निसार हुसैनी साहब नवरल्लाह मरकदहु बहुत ज्यादा सिफात के हामिल थे, मेहमान नवाज थे, इकराम उनका मिजाज था, मुताला बहुत ज्यादा फरमाते थे और अपने मसलक पे गहरी नजर थी. खुसूसन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अजमत, अकीदत और आपकी वफात के बाद कब्र मुबारक वाली हयात तय्यबा, इसको नहायत दिक्कत नजर के साथ देखते थे, वसत मुताला के साथ देखते थे. और मैंने अपनी जिंदगी में अपने जिन उलमा और मशायख को इस मौजू पर गुफ्तगू करते देखा है, बहुत कम ऐसे अफराद हैं कि जिनका इतना अच्छा मुताला और इतनी गहरी नजर अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. हमारा चूंकि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का इजमाई अकीदा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी जमीनी कबूर मुबारका में बताल्लुक अरवाह जिंदा हैं, ये हमारा अकीदा है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथहर पर जाके दुरूद पाक पढ़ें तो आप समात फरमाते हैं और दूर से पढ़ा जाए तो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और आप सलाम का जवाब भी अनायत फरमाते हैं. हजरत हाफिज निसार हुसैनी साहब रहमतुल्लाह ने इस मौजू पर बहुत काम किया है और बड़ा खुल के काम किया है, बड़ी जुर्रत के साथ काम किया है. उनकी ये खिदमत खुसूसन हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा पर तादेर याद रखी जाएगी. मैं उलमाए किराम से, तलबाए इजाम से गुजारिश करता हूं कि आप हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह के मुताला से फायदा उठाएं, उनके मुताला की रोशनी में आप इस मौजू को पढ़ें और मुताला फरमाएं. जिस तरह रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हजरत मौला मोहम्मद अमीन उकाड़वी नबरल मरकदहु की जहां दीगर बहुत सारी खिदमात मौजूद हैं, वाह हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत की तसनीफात, हजरत के मुनाजरे, हजरत की तकारीर और हजरत का बयान करने का अंदाज, सब कुछ महफूज है, आप उसका मुताला फरमाएं. मैं अपने अहबाब से दरख्वास्त करूंगा हजरत मौलाना निसार अहमद हुसैनी नबरल मरकदहु के लिए मगफरत की दुआ फरमाएं, दरजात की बुलंदी की दुआ फरमाएं. अल्लाह ताला उनके कब्र की सारी मंजिलों को, आखिरत की मनाजिल को आसान फरमा दे, हिसाब किताब आसान फरमा दे, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा दे, उनके लिए साले सवाब का एहतमाम फरमाएं. जो हजरात वसत रखते हों उनके यहां जाने की ताजियत का एहतमाम फरमाएं.
बगैर मैं साले सवाब और दुआ का एहतमाम जरूर करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको मरते दम तक दीन की मकबूल खिदमत के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह हमसे और हमारी नस्लों से अपने दीन की मकबूल खिदमत ले ले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।